तो अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत के बगैर पानी का
खतरा के लिए नहीं डाल सकता और रोटी का टुकड़ा मुंह तक नहीं डाल सकता। इस इंसान की ये पोजीशन है मेरे दोस्तों, तो अब अगर हम इस बात पर फखर करें अल्लाह बचाए फखर से, तो ये अजीब बात होगी। इसलिए जो कुछ अल्लाह ताला ने किसी को थोड़ी या बहुत तौफीक अता फरमाई तो उसको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। करोड़ों बंदों में तुमने हमें इस काम के लिए मुखर किया, ये तेरा एहसान है। बताना कि यहां बंदों की काम कोई कमी नहीं, काम करने वाले करोड़ों हैं, लेकिन उन करोड़ों बंदों में अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी को तौफीक दी या किसी ने कोई अच्छा काम किया तो उसको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला उससे ये काम दे रहा है। बुजुर्गों और भाई, इस चीज को हमेशा याद रखिए, आदमी जब कोई मकान बनाता है, कोई इमारत तैयार करता है, कोई बिल्डिंग बनाता है, तो बिल्डिंग को बनाने के बाद कोई आदमी उसको तोड़ता नहीं, डायनामाइट लगा करके उस बिल्डिंग को नीचे नहीं गिराता, बल्कि उस बिल्डिंग की हिफाजत करता है। हल्लुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें जो ईमान अता फरमाया, आओ ईमान के साथ साथ नेकी के काम करने की उसने जो तौफीक अता फरमाई, हमें चाहिए कि ये जो हमें बिल्डिंग और ये जो इमारत अल्लाह तबारक व तआला ने नेकी की हमें दी है, इस इमारत और इस बिल्डिंग की हमें हिफाजत करनी चाहिए अच्छी नीयत के साथ, खलूस के साथ, मोहब्बत के साथ इसकी हिफाजत करनी चाहिए। जब तक हम इसकी हिफाजत करते रहेंगे अल्लाह तबारक व तआला का अजर हमारे शामिल हाथ रहेगा। बुजुर्गों अजीजों और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज सुन्नी मजहबी एकेडमी की चौथी सालगिरह फोर्थ एनिवर्सरी आज है। अल्लाह तबारक व तआला की हमद हो जाए और उसके प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक भी ना हो, बस यही मकसद होता है, इसके अलावा और कोई मकसद है। इस बहाने से कुछ नसीहत की बातें हो जाए और भूला हुआ सबक जो मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता भूलता चला जा रहा है, हम उस सबक को दोबारा याद करके उस पर आने करें, बस यही मकसद होता है। मकसद यही है सिलसिले कीलो काल का, मकसद यही है सिलसिले कीलो काल का, हबीबिया रसूल अल्लाह, मकसद यही है सिलसिले कीलो काल का, आका होता रहे बयान तेरे हुस्नों जमाल का, होता रहे बयान। हमारी मजलिस का और कोई मकसद नहीं, हमारी सोसाइटी का और कोई मकसद नहीं। मेरे दोस्तों, दुनिया के नाम पर सोसाइटियां भी बनती है, दुनिया के नाम पर महफिल भी बनती है, दुनिया के नाम पर कलब भी कायम होते हैं, कहीं सियासी जलसे हैं, कहीं मेरे दोस्त किसी और दुनियावी मकसद के लिए है, लेकिन इस मकसद के लिए भी महफिल को कायम कर दिया करो, इस मकसद के लिए भी किसी सोसाइटी को बनाओ, और इस मकसद के लिए भी कोई मजलिस हो जाया करे कि आका होता रहे बयान तेरे हुस्नो जमाल का, है आगरा के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुनिया में तमाम हसीनों की तारीफ हुई, तमाम जमीनों के जमाल को बयान किया गया, लेकिन या रसूल अल्लाह, आप जैसा कोई जमीन नहीं, आप जैसा कोई शकील नहीं, आप जैसा कोई हसीन नहीं, आका आपकी बड़ाई से हमदा रखता है, आपकी इज्जत और आपके हुस्न की के हम भिखारी है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप
कर रहे हैं। या रसूलल्लाह, जब कोई भिखारी भीख मांगने के लिए किसी के दरवाजे पर जाता है तो उसकी तारीफ करता है, उसको दुआएं देता है, उसकी शान में कसीदे बयान करता है, तो या रसूलल्लाह हम तो आपके पुराने भिखारी हैं, हम भिखारी, हमारे बाप भिखारी, हमारे दादा भिखारी, अब से लेकर के हजरत आदम अलैहि सलातो व सलाम तक या रसूलल्लाह सब आपके भिखारी हैं। उम्मीद रखते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल भी आपके फजल व करम से आप ही की भिखारी होगी, आपके दर के टुकड़े खाएगी, आपका नाम लेगी या रसूल अल्लाह हम तो आपके दर के कुत्ते और हर करते चले आए हैं, आपके दर के कुत्ते बल्कि आपके दर के कुत्तों के कुत्ते बल्कि आपकी औलाद के दरवाजे के कुत्तों के कुत्ते। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी निस्बत तो ऐसी है कि जो आप जानते हैं, या रसूल अल्लाह आपके आशिक सादिक इस जमाने के मुजद्दिद आला हजरत मौलाना शाह अहमद रजा खान साहब कादरी फाजले बरेली रहमतुल्लाह तआला ने बयान किया, या रसूल अल्लाह हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आपके बेटों में से एक बेटे, आपके गुलामों में से एक गुलाम हुजूर सैयद और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला ने की बारगाह में आशिक रसूल और आशिक गौसुल आजम आला हजरत ने अर्ज किया कि ऐ गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु आका, तुझसे दर दर से है सर, सर से है मुझको इस्मत। या गौसुल आजम आपकी शान तो बहुत बड़ी, आपका दरवाजा तो बहुत बड़ा, आपका गेट, आपका दरवाजा तो बहुत बड़ा, बल्कि आपके दरवाजे पर जो कुत्ते हैं उन कुत्तों से मुझे इस्मत है, तुझसे दर दर से है सर, सर से है मुझको इस्मत। वे दोस्तों अदब करना सीखो तो अदब वालों से सीखो, याद रखो ये बातें तुम्हें दूसरी जगह नहीं मिलेंगी, ये बातें याद रखो। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, न किताबों से न कागज के हैदर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। मेरे अजीजों दोस्तों, ये बुजुर्गों की बारगाह में बैठने का उनकी गुलामी का ये नतीजा है कि ऐ रसूल आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, तुझसे दर दर से है सर, सर से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का टोरा तेरा। ऐ रसूल आजम, ऐ सैयद और शेख, ऐ मुक्तार के वाली, ऐ मसरब काबिलियत के शानशाह, ऐ हसैनी, ऐ हसनी, हम तेरे दरवाजे के कुत्तों के कुत्ते हैं आका, तेरे दरवाजे के जो कुत्ते उनका दामन हमारे हाथों में है, तुझसे दर दर से है सर, सर से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और आला हजरत अर्ज करते हैं कि जानते हो इसका फायदा क्या है, अर्ज करते हैं कि इस निशानी के जो सज है नहीं मारे जाते, जिस कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा हुआ हो, जिस कुत्ते के गले में भेद हो और जिस कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा हुआ हो, तो मेरे दोस्तों लोग उसको देख कर कहते हैं कि ये आवारा कुत्ता नहीं, ये आवारा कुत्ता नहीं, ये बेकार और भागा हुआ कुत्ता नहीं, बल्कि इस कुत्ते का भी कोई मालिक है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गान दीन से ताल्लुक पैदा करने का भी यही फायदा है कि शैतान करीब नहीं आएगा। शैतान जब आएगा तो हमारे गले में जब वो पट्टा देखेगा कि इसके गले में, किसी के गले में कादरियत का पट्टा, कोई कादरी है तो मेरे दोस्तों कोई चिश्ती है तो कोई नक्शबंदी है तो कोई सुहरवर्दी है तो कोई रसवी है तो कोई सागरी है। मेरे दोस्तों, ये तमाम पट्टे जो हमारे गलों में पड़े हुए हैं, इन पट्टों को जब शैतान देखेगा तो वो मेरे दोस्तों करीब नहीं आएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि ये पट्टा किसी और के हाथ में है, इसका ये जो पावर है वो किसी और के हाथ में है। तो आला हजरत अर्ज करते हैं कि इस निशानी के जो सर है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सर है नहीं मारे जाते, हज तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हज तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हज तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरे दोस्तों, ये वो निस्बत है जो यहाँ इस दुनिया में, वहां मरते वक्त कब्र में, हश्र में, नश्र में, हर जगह इंशाअल्लाह ताला यही निस्बत काम आएगी। आहा, और एक मकाम पर अर्ज करते हैं कि मेरी किस्मत के, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने, अर्ज करके
एक है वो बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु। मैं इतना लकी हूँ, मेरा लक और मेरी किस्मत और मेरा नसीबा इतना ऊंचा है कि बगदाद के कुत्ते भी मेरी किस्मत की कसम खा रहे। क्यों? कि फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि हिंद में भी रहूं देता रहूं पहरा तेरा। ऐ बगदाद रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैं जहां भी रहूं देता रहूं पहरा तेरा। मैं आपके दरवाजे का कुत्ता हूँ और कुत्ते का काम होता है कि वो मालिक के दरवाजे की निगरानी करे। मैं आपके दरवाजे का कुत्ता हूँ और मेरा काम है कि जिस तरह कुत्ता अपने मालिक के दरवाजे पर खड़ा होता है, कोई चोर ना आए, कोई बेदीन ना आए, कोई डाकू ना आए, कोई बदमाश ना आए। ऐ सुन्नियों, तुम भी हुज़ूर के दरवाजे के कुत्ते हो। तुम्हारा भी काम ये होना चाहिए कि तुम अकीदे के गेट पर, अकीदे के दरवाजे पर, ईमान के दरवाजे पर खड़े रहो। कोई इसमें बेदीन ना आए, कोई इसमें गुस्ताख ना आए, कोई इसमें वहाबी ना आए, कोई इसमें कादियानी ना आए, कोई इसमें मिर्ज़ाई ना आए, कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुस्ताख इसके अंदर ना आए। मैं जहां भी रहूं देता रहूं पहरा तेरा, मैं जहां भी रहूं देता रहूं पहरा तेरा। मेरे दोस्तों, अरे कुत्ता तुम्हारी हड्डियों को खा करके जो तुम खा करके भेज देते हो, वो दो हड्डी खाता है, दो लुकमे खाता है, वो भूखता रहता है तुम्हारे बिछोने पर। तो हमें तो हुजूर रसूल आलम की बारगाह से जाने क्या क्या मिलता है अरबाबों पर। ईमान उनसे मिला, दीन उनसे मिला और अकीदा उनसे मिला। मेरे दोस्तों, क्या क्या चीज नहीं मिली और कौन सी नेमत है। आला हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, ला रब्बिल अर्श मुझको जो मिला उनसे मिला, ला रब्बिल अर्श मुझको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौन है इनमें नेमत रसूल अल्लाह की, बढ़ती है कौन है इनमें नेमत रसूल अल्लाह की। और अर्ज करते हैं कि वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्कुराने हुआ। जो ये कहे कि हुजूर नहीं देते, जो ये कहे कि सरकारे दो आलम नहीं दे सकते माद अल्लाह, या सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कर सकते, तो अर्ज करते हैं कि वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्कुराने हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को उनके दादा जतुल लंबिया नबियों के दादा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा। अल्लाह उनको तो अपने प्यारे पोते हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत हो। अर्ज करते हैं कि है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तो मेरे अजीजो, मेरे दोस्तों, मेरे आका का टुकड़ा बच रहा है, आहा सबको मिल रहा है। अब किस कौन ऐसा नहीं कि जिसको हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरवाजे से टुकड़ा ना मिलता हो। अल्लाह अकबर, जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरवाजे से भीख न मिलती हो। हर करते हैं आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु के भाई हसन मियां रहमतुल्लाह तआला ने हर करते हैं कि मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो। अरे हम तो भिखारी है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बड़े बड़े शहंशाह और बड़े बड़े मेरे दोस्तों आका और मौला वो भी सरकार दो आलम की बारगाह में हाथ फैलाए हुए हैं। अर्ज करते हैं कि मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो। जिसको मेरे आका से हिस्सा मिला हो, सरकारी वालों सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से जिसको हिस्सा नहीं मिला सबको मिला। इसीलिए साहिरे कसीदे हुदा आहा हजरत इमाम मुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आज से कई सौ साल पेश तक अर्ज करते व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाह मुल्तमिसुन, व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाह मुल्तमिसुन غرفاً من البحر أو رشفاً من اليمين। जितने अल्लाह के रसूल हैं वो सब सरकारे दो आलम की बारगाह में इल्तिमास कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ आप अपना हिस्सा अता फरमा दे। غرفاً من البحر या रसूल अल्लाह, आप अपने फैज के समंदर का एक चिल्लू और रशफ़ मिन अल-यमीन, या ये जो मूसलाधार बारिश हो रही है आपके फजल व करम की उसमें से कोई कतरा मुझे मिल जाए।
अजीजों और दोस्तों बताओ तो सही, जब नबियों का ये हाल है, जब नबियों की ये शान है, तो मेरे दोस्तों हम तो गुलाम है सरकार आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के। तो अजीजों और दोस्तों अब ये कमा का बात यहाँ से चली थी के मकसद यही है सिलसिले कीलो काल का, मकसद यही है सिलसिले कीलो काल का, और आका होता रहे बयां तेरे हुस्न व जमाल का, होता रहे बयां तेरे हुस्न व जमाल का। अभी तो और दोस्तों एक बात सुनो, याद करो और जरा सोचो तो सही, जरा यकीन को अपने सामने लाओ कि जब हम दुनिया में किसी की तारीफ करते हैं तो वो हमारी तारीफ से खुश होता है, जब हम दुनिया में किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो हमारी मोहब्बत से खुश होता है कि फला आदमी मुझसे मोहब्बत करता है, फला आदमी को मुझसे मोहब्बत है। तो ऐ सुन्नियों, ऐ कादरियों, ऐ नदवियों, ऐ बुजुर्गाने दीन के मानने वालों, याद रखो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी, या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी, आका बताइए कयामत कब आएगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सवाल के पूछने वाले, ए सहाबी, कयामत आएगी, यकीनन आएगी, मगर ये बताओ तुमने कयामत के लिए क्या किया, कयामत के लिए तुम्हारे पास कोई सामान है। तुम जो पूछते हो कयामत कब आएगी, वो तो आएगी, मगर तुमने कयामत के लिए कौन सी तैयारी की, तुम्हारे पास कयामत का क्या सामान है। मुसलमानों जरा बताओ, वो पूछने वाले कौन थे, सहाबी थे, जन्नती थे, कुल्लुहुम उदूल, उनके लिए जन्नत की बिशारत थी। वो ये कह सकते थे कि या रसूल अल्लाह, हम तो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, या रसूल अल्लाह इबादत करते हैं, इत्तेहाद करते हैं, वो जवाब में याद कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ये जवाब में अर्ज नहीं किया, बल्कि इतना अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे अल्लाह और उसके रसूल से मैं मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, सरकार दो आलम ने जब ये बात सुनी तो क्या इरशाद फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबी, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो याद रखो कि जो आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसका हशर भी उसी के साथ होगा, कयामत में भी उसी के साथ होगा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अपने दिल को टटोलो, अपने दिल का अंदाजा करो कि हमारे दिल में किसकी मोहब्बत है। मेरे दोस्तों, आला हजरत फरमाते हैं कि अगर मेरे दिल के टुकड़े किए जाए, अगर मेरे दिल के दो टुकड़े किए जाए, दो पीस किए जाए, तो आला हजरत फरमाते हैं कि एक में लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे में लिखा होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की हमें मारिफत हासिल, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत हम करते, आहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत के सदके हमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तौफीक होती है। तो मालूम ये हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत से और उनकी बरकत से दोनों जहां को सब कुछ मिला है। इसलिए हर मुसलमान सुन्नी ड्यूटी है कि वो अपने मकाम पर कुछ न कुछ दीन मजहब की हिफाजत के लिए काम करे। दोस्तों, हम लोग जजीरे मॉरिशस में रहते हैं, ये वो जजीरा है जिस जजीरे में बुजुर्गान दीन आए, इसी जजीरों जजीरे की फिजाओं में और मैदानों में और जमीन और आसमान के दरमियान शेख तरीकत मौलाना शाह मोहम्मद अब्दुल अलीम अस्सिद्दीक़ुल क़ादरी रज़वी मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह की आवाज गूंजी, लोग रिवाज सुने, अहले सुन्नत व जमात का मसलक उन्होंने यहां बयान किया और उलमा और खादिम दीन की आमद का सिलसिला जारी रहा।
जो लोग दूसरी फील्ड में काम करते हैं, हमें उनके काम से कोई इंतजार कीजिए, हमें उनसे ये कहना है कि हमारी जो नस्ल इस वक्त हमारे सामने है या जो आइंदा आने वाली है, उसके लिए हम क्या करें। आपको ये बात मालूम होगी कि हमेशा जो लोग मस्जिदों में पुराने तरीके के जो लोग हैं, अब हमारी जबान में जिनको मियाँ जी कहा जाता है, ये मियाँ जी साहिबान और उनकी शेर हिदायत जो मकतब में दर्श का और पढ़ाई का सिलसिला जारी है, मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, ये सिलसिला नहायत ही मुबारक और नहायत ही गनीमत है। क्योंकि अगर ये सिलसिला भी खत्म हो गया तो याद रखो कि फिर दूसरा कोई तरीका इस्लामी तहजीब की हिफाजत का बात नहीं रहता। इसी मकसद को सामने रखकर सुन्नी गजवी सोसाइटी आज से तकरीबन 5 साल पहले कायम की गई। और आप जानते हैं कि जब सुन्नी गजवी सोसाइटी का ऐलान 1611 when